Now, I would like to invite Bhante Prashil Ratna Gautam Ji to present flowers and Buddha statue to respected chief guest, Honorable Governor Shri of Gujarat, Shri O.P. Kohli sir. Now I would like to invite Shri Ramanlal Vora, Speaker of Vidhan Sabha, to present flowers and Buddha statue to the Prince of Cambodia, Prince Thanaro Norodom. Thank you. Thank you very much, sir. Now, I would like to invite Mr. Nityanand Srivastava Ji, Managing Director of Gujarat Tourism, to present flowers and Buddha statue to the President of Dhamma Serigun Foundation, Mrs. Nalithon Dhamma Serigun. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Bhante Tejendo to present flowers and Buddha statue to Mr. Kamal Dayan, the Principal Secretary of Department of Social Justice. Now, I would like to invite Bhante Bodhi Ratna to welcome Shri Raman Goraji, the Speaker of Gujarat Vidhan Sabha. We will welcome them with flowers and a statue of Buddha. आमंत्रित करना चाहूंगी आप मंच पर आए और पुष्पगुच्छ एवं बुद्ध प्रतिमा से मिस्टर नित्यानंद जी श्रीवास्तव जी का स्वागत करें भांति सारिपुत्र जी पुष्पगुच्छ एवं बुद्ध प्रतिमा से Mr. Nityanand Srivastava Ji ka swagat kare, jo ki Managing Director of Gujarat Tourism ke
अब हमारे विधानसभा के स्पीकर नाउ वी वुड लाइक टू इनवाइट बंते प्रशील रत्न गौतम जी टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द मोटिव बिहाइंड इट Thank you, all of you. Most respectable Gandhi, Gopi Koli, Vidhan Sabha Speaker Raman Oraji, Prince of Cambodia, Thanarwan Dorodo, Princess of Cambodia Nalin Thon, most respectable. And Srivastava ji, Kamal Dayani ji, and all the dignitaries who come from across the world and across the India. I pay homage to Buddha, Dhamma and Sangha. And I pay gratitude to Bodhisattva Dr. Babasaheb Ambedkar who revived the Dhamma again in India and across the world. मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज जो दो सालों से मैं प्रयास कर रहा था कि एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होना चाहिए तो वो आज सफल हो गया है और मेरी पहले से इच्छा रही है कि एक ऐसा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जहाँ देश विदेश से लोग आए और जो यहाँ की गुजरात की जो संस्कृति है और गुजरात के जो बुद्धिस्ट प्लेसेस है हम उनको विश्व के सामने रखें क्योंकि जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं वे यूपी और बिहार जाते हैं बुद्ध के प्लेसेस देखने के लिए और उन लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन भी वो मेंटेन करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ में बिहार के लोगों के साथ में फिर मैं सोचता हूँ कि हमारे गुजराती लोगों ने क्या दोष किया तो इन लोगों के साथ में भी एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए तो इस बात के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और देश विदेश के जो हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है जो नज़दीक पास के जो कंट्रीज़ है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनका हम अगर इतिहास देखते हैं तो उन्होंने कभी हमें तकलीफ नहीं पहुंचाया है हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट ही किया है आज अगर भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए पैसा चाहिए डेवलपमेंट चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट रहा तो हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के पास में से ही आता है इवन गुजरात में भी बहुत सारी जो फैक्ट्रीज ओपन होती है वो भी हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज से ही होती है लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि यहाँ इतना बौद्ध धर्म की बड़ी धरोहर हमारे गुजरात में है लास्ट टाइम मैं एक चाइनीज डेलीगेशन से मिला था वो काफ़ी रिच है उनके दो तीन बड़े बड़े फैक्ट्रीज है चाइना में और दूसरे कंट्रीज में भी तो उन्होंने पूछा कि आपका कोई बुद्धिस्ट टेम्पल है तो मैंने कहा हमारा कोई बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं है गांधीनगर में तो हमारे तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के लिए या और कुछ और हम तो सोचते हैं कि ये बुद्ध की जगह है तो यहाँ बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर होगा जहाँ पे हम जाके मेडिटेशन करेंगे या हम अपना सिर झुकाएंगे या हम भिक्षुओं के साथ में रह के हम कुछ काम करेंगे पर ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है हमें तो ये जो प्लेस है जो गुजरात इसी में वाइब्रेंट प्लेस है और हम चाहते हैं यहाँ पे एक अच्छा बुद्ध विहार बने और साथ ही साथ जो हम मेरा जो मेन इंटेंशन है कि लोग फॉरेन के लोग यहाँ आए और लोग आके हम लोगों के साथ में जो बुद्धिस्ट है या गुजराती लोग हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो और जो बुद्धिस्ट साइट्स है वो खास करके उसको डेवलपमेंट का काम हो उसके लिए हमारे श्रीवास्तव जी हमेशा हमें मदद करते हैं किसी भी चीज़ से ताकि उस चीज़ को हम आगे तक के लेके जाएँ तो आज का जो ओकेशन है बाबा साहब की 125वीं जयंती और उनका जो धम्म कारवा रहा है जब उन्होंने 1956 में धम्म दीक्षा लिया नागपुर में तो अभी तक के उनका क्या डेवलपमेंट रहा है और गुजरात का जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है इसके ऊपर आज दिन भर यहाँ चर्चा चलेंगे तो जो माननीय गेस्ट जो मेरे आए हुए हैं कुछ लोग तो इस तरह से आए कि मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया तो उसको देखे वो आ गए किसी को सिर्फ फ़ोन कॉल पे मैंने बोला तो वो उस तरह से आ गए
रमन वोरा जी ने तो अपना कहीं हरिद्वार का प्लान था वो कैंसिल कर दिया मेरे लिए. जयेश भाई को मैंने फोन करके बता दिया, इतने बड़े आदमी, बोले बंदी जी हम आ जाएंगे, ठीक है ना. पटेल जी, आर एम पटेल जी हमेशा साथ रहे, हमेशा गाइडेंस दिया है उन्होंने हमें. और श्रीवास्तव जी जो मेरे हमेशा दिल के पास रहते हैं, वो हमेशा मुझे रेडी रहते हैं कोई भी मदद करने के लिए. और मेरे भिक्षु लोग जो बेबी आए हैं मुंबई से. और एक प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने बहुत सारे भिक्षुओं को बुलाया था पर काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे ये काम हुआ, तो बहुत सारे लोगों के वीज़ा कैंसिल हुए हैं. तो नेक्स्ट टाइम अगर हम कुछ प्रोग्राम करेंगे तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इसको सपोर्ट करे. और जो हमारे फॉरेन के डेलीगेशन जो आना चाहते थे, बहुत इच्छा है क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे देश जाते थे, उस देश के सभी लोग गुजरात आना चाहते हैं अभी. तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी उनको आने में मदद करे ताकि उनका वीज़ा वगैरह हो. और जो डेलीगेशन हमारे पास यहाँ आए हैं वो ज़रूर हमारे पास से बहुत कुछ सीख के जाएंगे क्योंकि हमारे साथ में 5 या 6 दिन रहने वाले हैं. और जब वो वहाँ जाए तो फिर से दोबारा जल्दी जल्दी गुजरात में आए, हमारी यही मंगल कामना रहेंगी. और जो मिसेस नलिन थॉन है वे बैंकॉक में रहते हैं और काफ़ी एक्टिव है और वो चाहते हैं कि गुजरात का जो बुद्धिस्ट प्लेसेस है वो थाईलैंड में उसको प्रमोशंस मिले. हम किस तरह से दो देशों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं उसके लिए वे उनका सारा डेलीगेशंस यहाँ आया हुआ है. मैं भी सभी के नाम तो लेना नहीं चाहूँगा पर कुछ सिंगापुर से है, मलेशिया से है, कैनेडा से है, यूके से है, सभी जगह से है. तो कम से कम और हमारे निपॉन बंते जी जो वहाँ बैठे हैं एक्चुअली तो इज वेरी काइंड जो आप रॉयल फैमिलीज थाईलैंड और रॉयल सरकार जो थाईलैंड की सरकार है उनके द्वारा अपॉइंटेड भंते जी है जो बुद्ध गया और नेपाल का पूरा इंचार्ज संभालते हैं. तो इंडिया में जो वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल जो इनका है और जब भी कोई प्रधानमंत्री या कोई डेलीगेशन आता है तो इन्हीं का टेम्पल उसको कंडक्ट करता है. तो ये भी मेरे से फ़ोन कॉल पर ही आ गए. तो इनका मैं बहुत बहुत सभी भिक्षुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. और आप गुजरात आए इसके लिए मैं आप सब लोगों का आमंत्रण करता हूँ. थैंक यू. साधु साधु. धन्यवाद Bhante Prashil Ratna ji. Now I would like to invite Mrs. Nalinthon Dhamma Siribun to introduce the international delegates and give her kind words for the conference.